हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकाई 3 पूर्णांक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, अभ्यास 3 दिया गया है, किस तरह सॉल्व करना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है, और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 19, अब देखो यहाँ पर जोड़ा बनाना है। देखो 29 दिया है और माइनस के 29 दिया, एक ये है। फिर इसके बाद इसका एक पॉजिटिव है तो एक अपोजिट भी है। देखो यहाँ पे ये 25 है, ये 23 का 23 का दिया गया है, और यहाँ पे 19 का 19 के साथ दिया गया है। ठीक उसी तरह यहाँ पे दिया गया, देखो 17 का ये। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, 13 अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 13, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो 11 का माइनस 11 और 7 का 7 साढ़े दिया गया माइनस, तो आंसर इसका पहले क्या हो जाएगा, सेकंड ये 13। चलिए दूसरी बात करते हैं। इसमें दिया गया ये देखिए, अब इसमें देखें अपोजिट दिया गया यहाँ से, चलिए 7 से, 7 का ये, 25 का ये, 13 का ये, 31 का ये, इसी तरह इसमें देखना है आपको 5 का ये, 8 का ये, 11 का ये, तो 14 का क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव 14। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 14 आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए, पूर्व को धन की दिशा तथा समुत्तर से ऊंचाई को धन की दिशा में मानिए। अब हम देखें कैसे बनाना है। देखो समझो, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे खींच लेना है इस तरह से, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पे तुम्हें मालूम ही है 0.0 होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। इस तरह यहाँ पे क्या पीछे जाएगा तो माइनस हो, -2 -3 -4, इस तरह से ही हो जाएगा। इस यहाँ जाएगा तो बाई एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 3 4 इस तरह से। और यहाँ इधर आएगा तो -1 -2 -3 और -4। अब हमें आप देखेंगे शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब देखिए यहाँ पे शून्य से नीचे, शून्य से शून्य यहाँ हो गया, ये क्या हो गया, शून्य हो गया, यहाँ पे दिया गया है। तो शून्य से नीचे जब नीचे जाएगा तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस तरह से ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब देख लो 7 कदम पूर्व की ओर। अब देखो 7 कदम जा रहे हैं पूर्व की ओर, यहाँ से बढ़ेगा पूर्व के लिए, किस तरह जा रहा है, पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 7 कदम। ठीक, दूसरा दिया गया यहाँ पर दिया गया रुपये 3.28 की हानि, तो हानि होगी तो किस में आएगा, दर्शाएगा वो माइनस में दर्शाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के रुपये किस में हो जाएगा, 3.28 हानि आंसर हो गया। सिंपल सा 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। अब 18 मीटर जब पश्चिम में जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएगा। अब देखो समुद्र से 1000 मीटर ऊंचाई, अब समुद्र होगा तो ऊंचाई जाएगा, ऊंचाई ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, कितना, 1000 मीटर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि योग में क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव, जैसे अगर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव हो जाता है। बस सिंपल सा करना, +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा। अभी आपको बताया कि अगर प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा। अब सेकंड देखिए -21 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है भैया, पॉजिटिव हो जाएगा। अब -39 दिया गया है तो ये किस में हो जाएगा,
प्लस में दिया है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस 41 एक बात में प्रतिलोम दिया गया है तो माइनस में दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या है प्लस माइनस 91 का एक बात में प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 91 हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब दिया गया है कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। चलिए क्या लिया, पॉजिटिव दिया है। अब यहाँ पर जैसे बना लीजिए, यहाँ पर जीरो होगा, पॉजिटिव में आना, एक दो तीन और चार, ठीक। तो हमें पॉजिटिव में जाना है, यहाँ से खींचिए ऐसे करके और यहाँ से इस पर आ जाइए, बस हो गया, खींच गया इस तरह से। अब इसमें यहाँ दिया गया माइनस नेगेटिव में, तो बस यहाँ पर ऐसे खींचिए, यहाँ पर जीरो लीजिए। अब यहाँ से इधर आएंगे माइनस में, एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छः माइनस सात माइनस आठ और माइनस के नौ, इस तरह से हो जाएगा। तो बस यहाँ से खींचिए और यहाँ पे ऐसे करके इसको विस्थापित कीजिए, इसको दिखा दीजिए। अब प्लस सेवन आ गया, सेवन को देखिए यहाँ पर, सिंपल सी बात, प्लस जीरो लीजिए और सेवन जाइए, एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात, तो इस तरह से यहाँ कीजिए और इस तरह से ये हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया, इसमें माइनस के थ्री देगा, फिर आप खींच लीजिए, जब इधर जाएंगे जीरो से तो माइनस में आ जाएगा, एक माइनस दो माइनस तीन, बस बनाना चाहो चार और बना दो कोई दिक्कत नहीं, तो जाएगा हमारा तीन ही से, तो इस तरह से पूरा हो जाएगा तीन। अब देखो छः दिया गया है, छः में क्या दिया गया है, देखो वो भी माइनस में दिया है, जीरो एक दो तीन चार पाँच और छः, तो यहाँ से चलिए, अब यहाँ को इसको ऐसे मिला दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के छः, इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब दिया गया देखो, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर देखिए जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना गया है, पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें ये रेखा दी गई है, इस रेखा को देखना है और आपको आंसर देने हैं, बस अब समझिए यहाँ पे। अब देखो कैसे आंसर देने हैं वो समझिए यहाँ पे। पहला दिया गया कि ए बिंदु प्लस सेवन है, तो कौन सा बिंदु माइनस सेवन है, अब देखना है यहाँ पे। देखो कह रहा है कि जीरो चलिए, यहाँ पे प्लस सेवन है, ए बिंदु कैसा है प्लस सेवन है, तो कौन सा बिंदु माइनस सेवन होगा, अब यहाँ सेवन जाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातवा बिंदु यहाँ पे, तो सातवा क्या दिया गया, ई दिया गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इस तरह से करना है। तो बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, अब बी बिंदु को देख लीजिए, अब बी बिंदु कौन सा निरूपित करता है, बी बिंदु देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है निरूपित, देखो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ऊपर जाएंगे प्लस और नीचे जाएंगे माइनस, तो एक दो तीन कैसा तीन दे रहा है, माइनस के तीन दे रहा है, ठीक, इस तरह से जाएंगे। बिंदु बी को, बी का विपरीत बिंदु बताइए, अब बी का विपरीत बिंदु देखिए, बी का यहाँ पे देखो विपरीत बिंदु कौन सा हो जाएगा, देखो देखो एक दो तीन, अब ऐसे चल रही एक दो तीन हो गया सी, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। अब बिंदु डी के एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए, अब देखिए देखिए डी कहाँ पर, डी ये रहा डी के ऑफ एल आ गया, तो इनको क्या करना है, तुमको इनके निरूपित बिंदु लिखिए। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, ठीक। अब देखिए अब हमें पहले कौन सा लेना है, पहले हमारा लेना है डी, डी देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच कैसा दिया है, पॉजिटिव में दिया है, तो बस तो डी के लिए क्या हो गया, प्लस के फाइव हो गया। अब के लिए देख लिए, के देखो के नीचे दिया गया एक दो तीन चार पाँच, काय का माइनस का पाँच दिया गया है, तो इसको माइनस के पाँच लिख लीजिए। अब देखो एल के लिए देख लीजिए, काय पॉजिटिव में आ रहा है एक दो तीन चार पाँच छः, कैसा है पॉजिटिव में, तो प्लस के छः हो गया, इस तरह से आंसर हो गया। बिंदुओं डी के एल के विपरीत को बताइए, अब देखो डी के एल के विपरीत देखिए यहाँ पे, डी देखिए किस नंबर पे, देखो भाई गिना था एक दो तीन चार पाँच, पाँचवें नंबर देखो यहाँ पे क्या है, एक दो तीन चार पाँच, पाँचवें बिंदु क्या है के,
तो के लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे करके। अब देखो, अब के विपरीत देखिए, आप देखो 1 2 3 4, 4 पे, अब के पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बिंदु क्या आया देखो 1 2 3, देख लीजिए के विपरीत कौन सा आ रहा है देखो 1 2 3 4 5, 5 देखिए 1 2 3 4 5, 5 पे कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। अब इसी तरह अब देखिए किसके विपरीत, एल के विपरीत देखो, एल के विपरीत यहाँ पे देखो एक छोड़ के नीचे तो कौन सा हो गया, एम हो गया। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से ये क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह करना है। अब ये देगा निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, निम्नांकित के बीच क्या करना है, सभी पूर्णांक लिखने हैं। देखो अब समझना है, यहाँ पे सबसे सिंपल सी बात है, देखो दिया गया -2 और 3, 3 के बीच देखो -2 है और प्लस के 3 है। अब इनके बीच देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, समझ लो सिंपल सी बात है, -2 सभी बिंदु लिखने, पूर्णांक देखो लिखो, समझो पहले बात को समझोगे तभी समझ पाओगे। अब देखो -2 है, -2 से माइनस क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, लिखो यहाँ पे लिख लो -1, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा हमारा 0 आ रहा है, फिर प्लस के 1 आ रहा है, फिर प्लस के 2 आ रहा है, और 3 तो हमारा दिया गया है, इनके बीच देख लो ठीक। अब देखो खा नंबर देखो, कह रहा है कि 0 से 6 के बीच में, अब ये 0 से यहाँ तो 6 के बीच में देखो कितने अंक आ रहे हैं, देखो 0 से चलो बीच में देखना है 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो बस यहाँ पे लिख दो एक तो पॉजिटिव सभी है 1 2 3 4 और 5, बस हो गया इस तरह। अब देखो -4 देखो, -4 और प्लस के 4 देखो, -4 और प्लस के 4 के बीच में देखो, लिख लो फटाफट, -4 से बीच में आ जाओ, माइनस देखो क्या क्या आएगा, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अब बीच हो गया यहाँ तक देखो 4 के बीच में आ गया 3 तक, इस तरह आंसर हो गया। घा देखिए -5 से और प्लस के 2 के बीच में देखिए माइनस, अब देखो यहाँ से चालू हो जाएगा -4 देखो, -4 -3 -2 -1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब हमें 2 तक लाना तो 1 और आ जाएगा पॉजिटिव का, बस इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। अब डा में देखिए -3, -3 से प्लस के 5 तक, अब देखो -3 से चलो -2 के बीच में है, बीच का देखो -2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, क्योंकि हमें 5 के बीच में लेना है, 4 तक आ गया। अब देखिए 4 नंबर देखिए -8 से, देखो -8 से 4 तक देखना है, तो -8 के लो 7 आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर दो लिखना, क्या क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, अब -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब क्या करना है तुमको, फिर 0 फिर पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2 कहाँ तक लेना है, 4 तक लेना है, 3 और 4, 3 तक लेना है कि 4 के बीच तक पूछ रहा है, तो 3 तक लिखना है, बस कुछ नहीं 3 तक लेना है, बस हो गया आंसर पूरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा खींचिए ठीक। अब संख्या रेखा देखिए क्या, देखो उसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखने हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 के बीच में देखो, 2 और 5 के बीच में, तो 2 और 5 के बीच में देखो कैसे लिखना है, 2 और 5 के बीच में बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, 2 और 5 के बीच में क्या 3 और 4 आ रहा है, देखो ले दो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा 3 और 4 आ रहा है। अब देखो -4 और 0 के बीच में देखो, -4 और 0 के बीच में, अब -4 और 0 के बीच में कैसे लिखना है, देखो सिंपल सी बात है, -4 के बीच में बड़ा कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, और 0 तो है ही बीच में लिखना है। अब 3 और 8 के बीच में देखो, 3 और 8 के बीच में देखो, 3 और 8 के बीच में सीधा सीधा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
छः हो जाएगा और सात हो जाएगा। अब देखो जीरो और चार के बीच में लिखना है, देखो जीरो और चार के बीच में लिखना है, तो देखो जीरो और चार के बीच में क्या आ जाएगा, एक दो तीन लिख दो, एक दो तीन। अब देखो माइनस पाँच और माइनस के दो के बीच में लिखना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस चार माइनस के तीन, माइनस के चार और माइनस के तीन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चार नंबर, चार नंबर में देखिए माइनस एक से चार के बीच में, माइनस एक से चार के बीच में देखो, तो यह क्या आ जाएगा जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो और एक दो और तीन, बस इतना आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, बस इस संख्या रेखा को देखिए, इससे आपका आंसर हो जाएंगे पूरे, ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये चिन्ह लगा हो तो इसका मतलब होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष हमेशा इस निरपेक्ष का मान हमेशा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए सबसे पहले करिए, तेरह दिया है, तेरह का आंसर कितना निरपेक्ष मान हो जाएगा, तेरह हो जाएगा पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव में दिया हो चाहे पॉजिटिव में दिया हो वो आएगा हमेशा पॉजिटिव में ही। ठीक, बारह का दिया तो बारह कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा। ठीक, अब इसका कितना दिया माइनस के सेवन सैंतीस दिया है तो इसका कितना हो जाएगा, सैंतीस हो जाएगा। जीरो का हमेशा जीरो रहेगा, माइनस सैंतालीस का क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा सैंतालीस। अब 10 का दिया है पॉजिटिव, 101 दिया है तो इसको क्या हो जाएगा, 101 ही रहेगा। इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। अब कह रहे अपनी प्यास पुस्तक में सत्य असत्य को कथन की पहचान कर लिखिए। अब देखिए सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, सबसे बड़ी बात यह है सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। देखो जो शून्य होता है वो तो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कथन हमारा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं शून्य का विपरीत नहीं होता है, ये बात सत्य, शून्य का कोई विपरीत होता नहीं, माइनस वन का होता है प्लस वन होता है, मतलब जीरो का कुछ नहीं होता, इसलिए कह जाएगा ये बात सत्य हो जाएगी। अब कह रहा है माइनस सेवन बड़ा है पाँच से, तो ये बात कैसे हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, पाँच बड़ा है क्योंकि जो स्टार्ट होता है जीरो से वो होता है, इसलिए इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए एक धनात्मक पूर्णांक अपने युग्मात्मक पतलों से बड़ा होता है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है, कोई धनात्मक हो जैसे प्लस के पाँच हो और इसका युग्मात्मक पतलों क्या बनेगा, माइनस के पाँच। अब ये कह रहा है कि इसका धनात्मक पूर्णांक अपने युग्मात्मक पतलों से बड़ा होता है तो बड़ा होता है, तो इसलिए ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। देखिए ये बड़ा है कि नहीं, ये बड़ा हो गया। अब ये कह रहा है एक ऋणात्मक पतलों, कोई ऋणात्मक पतलों दिया गया है तो वो योगा तो पुतलों से बड़ा होता है। अब देखिए ये बात होता है, ये यहाँ पर ऋणात्मक इसका पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये कह रहा है कि ऋणात्मक पुतलों योगात्मक पुतलों बड़ा होगा, नहीं होगा, ये बड़ा होगा, इसलिए आंसर ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य क्या है हमारा एक पूर्णांक नहीं है, तो क्या हो जाएगा शून्य चार, असत्य हो जाएगा। जब शून्य कैसा है वो दोनों पूर्णांक होता ही है, देखो पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस भी होते हैं वो भी पूर्णांक होता है, प्लस में होता है वो भी पूर्णांक होता है। शून्य का युग्मात्मक पुतलोम शून्य है, शून्य का अगर युग्मात्मक पुतलोम नकार हो गया तो क्या आ जाएगा, शून्य आएगा। ये बात हमारी कैसी हो गई, सत्य हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कैसा हो गया, दी एंड। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर, कोई बात हो तो हमें बताइए और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कोई समस्या आ रही है तो हमें बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।